बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.4। वी हैव टू रिजॉल्व द इनटू वेक्टर्स। अब वेक्टर्स में हमें इसको रिजॉल्व करना है। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास आज किस किस्म का क्वेश्चन है। वी हैव ए रेज टू द पावर 6 माइनस 64 बी रेज टू द पावर 6। वॉट वी हैव टू डू इज फर्स्ट वी हैव टू रिजॉल्व इट इन सिंपलर फॉर्म। इसको हमने थोड़ा सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। सिंपल फॉर्म में लाने का मतलब यह है कि हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे कि हम इस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकें या हम इसको छोटे फैक्टर्स में तोड़ सकें। तो यहाँ पर आप देखिए इसको हम लोग अगर रिड्यूस करना चाहें या हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब स्क्वायर माइनस 64 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं हमारे पास आ जाएगा 8, बिकॉज 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, बी क्यूब एंड स्क्वायर। अब देखिए इसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया, ए सिक्स को हमने लिखा था ए थ्री क्यूब और स्क्वायर, 3 इंटू 2 हमारे पास 6 हो जाएगा, तो ये वाला ए हमने इस फॉर्म में लिख लिया और 64 बी स्क्वायर को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब आप देखिए यहाँ पर ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दैट गिव अस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। पुटिंग दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला, हम ए की जगह क्या लगाएंगे, हमारे पास ए की वैल्यू है ए क्यूब प्लस बी दैट इज 8b³, ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारे पास हो जाएगा ए क्यूब माइनस 8b³। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास दो और फॉर्मूलाज आ गए, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आ गया और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आ गया। अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस 2b³। इस पूरे का अगर हमने सिंप्लीफाई में लिख लिया और अगर यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, हम लिखेंगे ए क्यूब माइनस 8 का क्यूब रूट हमारे पास हो जाएगा 2b³। ठीक है, ये कैसे आया, 8 आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारे हमने जब इसका क्यूब रूट लिया तो ये हमारे पास हो गया 8 और b का हमने क्यूब लिया तो b³ हो गया। क्लियर। हमारे पास अब ये किस फॉर्म में आ गया, a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आपको याद करना है एक दूसरा फॉर्मूला, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब गिव्स अस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब गिव्स अस ए प्लस बी। ठीक है, यहां पर देखिए हमारे पास माइनस वाले में पहले माइनस आता है हमारे पास एंड देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूलाज हैं, ये आप अगर अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें तो ये वाली एक्सरसाइज आप बहुत आराम से कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास फॉर्मूला किस फॉर्म में आ गया था, ये हमारे पास आ गया था ए क्यूब प्लस 2b³ और दूसरा टर्म हमारे पास आ गया था ए क्यूब माइनस 2b³। फॉर्मूलाज हमने पुट करने हैं, यहाँ पर हम पुट करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, दैट वॉज ए प्लस बी, बी हमारे पास यहाँ पर 2b है तो हम 2b लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे टर्म के लिए हमारे पास क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस 2b ए स्क्वायर माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स को, हमारे पास आ जाएगा 2ab प्लस 2 इंटू 2 4b² फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारे पास आ रही है a माइनस 2b ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू 2 4b². नाउ वी हैव टू रीअरेंज देम। ठीक है, इनको आप रीअरेंज करके लिखोगे a प्लस 2b ए माइनस 2b ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4b² एंड ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b². क्लियर। यहां पर आप देखिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, दैट इज x रेज टू द पावर 12 माइनस y रेज टू द पावर 12। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, इसको इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हैं कि हम कोई फॉर्मूला लगा के इसके फैक्टर्स बना सके। यहां पर आप देखिए
हमारे पास 12 है, अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो हम इसको किस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, y रेस टू द पावर 6 और इसका हम स्क्वायर ले लें तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इक्वल होंगी, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 और ये हमारे पास y 12 की फॉर्म में है, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, x रेस टू द पावर 6 स्क्वायर माइनस y रेस टू द पावर 6 स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन ए प्लस बी ए माइनस बी। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप इनको फर्दर ब्रेक करोगे, आपको इनको इस फॉर्म में ब्रेक करना है कि आप इसको फर्दर फॉर्मूलाज अप्लाई करके आप इनको सिंप्लीफाई कर सको, फैक्टराइज कर सको। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास प्लस का साइन है, अगर हम इनको सिंप्लीफाई करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आते हैं तो वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर इट, वी हैव अ फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट वी डोंट हैव एनी फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो वॉट वी हैव टू डू, हमने इसको इस फॉर्म में स्प्लिट करना है कि हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाए ए क्यू प्लस बी क्यू, बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर ब्ला ब्ला सो वॉट एवर, और ये जो है ये हमारे पास हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, लेट अस डू दैट, इसको क्यूब करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब ठीक है सॉरी एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्म में। ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम किस तरह से स्प्लिट करेंगे, हम इसको करेंगे एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस वाई क्यूब स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूले में हमने इनकी वैल्यूज पुट की, यहाँ पर ये हमारे पास ये वाला फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी क्यूब के लिए हमारे पास फॉर्मूला वही है ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला ये आपको अच्छी तरह से मेमोराइज करना है। फर्दर इसकी जब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं तो हम किस तरह से करेंगे, हमारे पास पहला वाला टर्म आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन वी ब्रेक अप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दूसरा टर्म हमारे पास था एक्स फोर स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हेयर वी गॉट ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नाउ दिस वन इज फैक्टराइज ऑलरेडी, ये हमने फैक्टराइज कर लिया, इनको हम अब फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला जो हमें अच्छी तरह से याद हो चुका होना चाहिए, दैट इज ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी, बार बार मैं रिवाइज कर रही हूँ ताकि आप मेमोराइज कर लें, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड द सेकेंड वन इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, इसको अब हम फैक्टराइज करते हैं, पहले वाले टर्म को जब हमने फैक्टराइज करना है तो इस वाले टर्म को आप एज इट इज लिखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फॉर दिस फर्स्ट टर्म व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फैक्टराइज इट इन द फॉर्म ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सॉरी यहां पर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड फॉर दिस वन ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, रीअरेंजिंग ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व हो गया।
मूविंग अहेड टुवर्ड्स एन अदर इक्वेशन, यहाँ पर हमारे पास ये देखिए फॉर्मूला है, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2a³ प्लस 3 का, हम जब 27 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास क्यूब रूट आ जाएगा 3, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का, ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। वी हैव टू पुट द वैल्यूज ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। 2a प्लस 3y फैक्टर एज इट इज, 2 इंटू 2 4a स्क्वायर प्लस 2 3 इज 6ay प्लस 3 3 इज 9y स्क्वायर, डन। दिस वॉज सिंपल, इस तरह से आप इसको फैक्टराइज करेंगे, क्लियर। ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 5.4 थी, वेरी सिंपल एक्सरसाइज। इसके लिए आप जब बस ये फॉर्मूलाज याद कर लें तो ये आपको आराम से मेमोराइज हो जाएगी।